निसार तेरी गलियों के ऐ वतन, कि जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। बाबा सिद्दीकी जी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये बात किसी बीहड़ सुनसान जगह की नहीं है, ये मुंबई महाराष्ट्र के बांद्रा इलाके की है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जो एक बहुचर्चित लोकप्रिय समाजसेवी तो थे ही, साथ में 3 बार के एमएलए और पूर्व मंत्री थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जो वाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिन्होंने 15 दिन पहले ही महायुति सरकार को विधिवत तरीके से सूचित किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, और बावजूद इसके, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी जी को मार दिया गया। और ये पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो एक बहुत ही वाजिब, बहुत ही जायज सवाल न सिर्फ इस देश के नेताओं, इस देश के राजनीतिक दलों, बल्कि हर भारतीय नागरिक, हर मुंबई और महाराष्ट्र के निवासी के दिमाग में कौंध रहा है कि अगर एक वाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड व्यक्ति के साथ, एक पूर्व मंत्री, 3 बार के एमएलए के साथ इस तरह की दुर्दांत घटना घटित हो सकती है, तो उस आम आदमी, आम नागरिक की सुरक्षा का क्या? मुझे लगता है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महाराष्ट्र मुंबई में मोदी और शिंदे की सरकार जहां है, भाजपा की सरकार जहां है, महायुति सरकार जहां है, एक ठगबंधन की सरकार जहां है, वहां हर व्यक्ति का जीवन एक डर के साए में बीत रहा है। घर और ऑफिस के भीतर डर, तो वो 4 दीवारी लांघते हुए डर, सुनसान राहों पे डर, तो सरेआम भीड़ में डर, रात के सन्नाटे में डर, तो दिन दहाड़े डर। और इस डर की जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल पूछना जनता का अधिकार है, और वो चीख चीख कर पूछ भी रही है। और मैं भी पूछना चाहती हूं कि ये डबल इंजन सरकार के नाम पर बार बार गाल बजाने वाले, दम भरने वाले, अपनी पीठ थपथपाने वाले देश के गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? आज उन्हें क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसे मार दिया गया, और आपके मुंह में दही जमा है, आपके होठ से ले एक शब्द नहीं निकल रहा। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, कल विजयदशमी थी, दशहरा था, और हर भारत का निवासी आस्था और संभावना का मेल करके इस बात में विश्वास रखता है कि कल का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन था, अन्याय पर न्याय की जीत का दिन था, असत्य पर सत्य की जीत का दिन था, दुराचार पर सदाचार की जीत का दिन था, और रावण पर राम की जीत का दिन था। और इससे ठीक उलट कैसे अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण अपने पांव पसार रहा है महाराष्ट्र में और पूरे देश में, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत दुख है मुझे इस बात का कि विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन, न सिर्फ देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। तो गोस्वामी तुलसीदास तो श्री रामचरितमानस में लिख गए थे कि राम राज कैसा होना चाहिए, और ये जो स्वघोषित धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो राम राज की बात करते हैं पर मुंह में राम, बगल में छुरी लिए बैठे रहते हैं, इन्हें शायद याद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और ठीक इसका उल्टा, उलट बांसी, जो हम कहते हैं कि उल्टी गंगा बह रही है, वो हो रहा है महाराष्ट्र में। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राम राज तो भूल जाइए, घोर
जंगल राज और रावण राज है, और इस रावण राज का अंत जनता करने के लिए ठान कर बैठी है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये चुनाव की भी तारीखों को टालने का काम कर रहे हैं। और अंत में मैं सिर्फ एक बात और यहां पर जोड़ना चाहती हूं कि जब सरकार खुद अपराधियों की सरपरस्त बन जाती है, हमने देखा किसानों के आंदोलन में, हमने देखा पेपर रद्द पेपर लीक के दौरान नौजवानों के आंदोलन में, हमने देखा कैसे सोहनम वांगचुक आ रहे थे तो उनको रोक दिया गया, हमने देखा कि कैसे पहलवान लड़कियों का पहलवान बेटियों का सम्मान कुचलने का काम किया गया, हमने देखा कि उन्नाव से लेके हाथरस से लेके पूरे देश में छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं की अस्मिता कैसे तार तार होती है, और बार बार मोदी सरकार या तो खुद अपराधी बन के कटघरे में खड़ी होती है या अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, उनको बचाने का काम करती है। तो जब अपराधियों के साथ ही सरकार खड़ी होगी तो गुनहगारों का हौसला कितना बुलंद होगा और उसके कितने दुर्दांत परिणाम होंगे, इसका भी हमने एक रूप कल देखा है। क्योंकि लगातार प्रशासन का हौसला पस्त हो रहा है और गुनहगारों का इकबाल बढ़ रहा है, इसीलिए इस तरह की वारदातें अंजाम देती हैं। सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जैसा कि आप पीछे ट्वीट्स में भी देख रहे हैं, न सिर्फ निंदा की है, न सिर्फ प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि यह भी कहा है कि तफ्तीश होनी चाहिए, निष्पक्ष तफ्तीश होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, नीतिगत तरीके से होना चाहिए। और मैं अपनी बात को ये कहकर समाप्त करना चाहती हूं कि डबल इंजन सरकार है तो डबल जिम्मेदारी भी होती है, न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी। और अगर नैतिकता का लेश मात्र भी आपके अंदर बचा है, अगर आपकी अंतरात्मा जरा सी भी आवाज दे रही है, तो शिंदे जी, फडणवीस जी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर ये इस्तीफा नहीं दिया जाता है, जैसा कि मैं जानती हूं, तो जनता तैयार बैठी है आपकी कुर्सी आपके पांव के नीचे से खींचने के लिए। और महाराष्ट्र में जनता क्या महसूस कर रही है, महाआघाड़ी इस बारे में क्या सोचती है, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, इसके बारे में आप के समक्ष अपना वक्तव्य रखने के लिए माइनॉरिटी कमिटी के चेयरपर्सन और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी यहाँ मौजूद हैं और आप सभी के समक्ष अपने विचार रखेंगे। अब मैं माइक उन्हें सौंपती हूँ। धन्यवाद रागनी जी। हमारी सहयोगी रागनी नायक जी ने अभी विस्तार से कल के घटनाक्रम के बारे में बताया। बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना परिवार के प्रति और एक निष्पक्ष जाँच की मांग की है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूँ और कल की घटना से बहुत हैरत में हूँ कि मुंबई, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, वहां सरकार से जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल नेता, जिसे 15 दिन पहले सूत्रों बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है, सबसे बड़ा सवाल यह है। बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, 3 बार के विधायक, मंत्री, मौजूदा समय में उनका बेटा विधायक, और सरकार जो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है महाराष्ट्र की सरकार में, उसके एक इंजन यानी के अजीत पवार जी के करीबी नेताओं में से थे।
उनकी हत्या हुई सरेआम। ये महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था रसातल में जाने का सबसे बड़ा परिणाम है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी की है, मुख्यमंत्री जी से ज्यादा गृहमंत्री की जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहूंगा गृहमंत्री को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बुरी तरह से विफल है। बदलापुर से बांद्रा तक आप जहां भी देखेंगे, महाराष्ट्र में ना तो बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यवसायी सुरक्षित हैं, ना राजनेता सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर कोलैप्स हो चुका है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी किया है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, पारदर्शी जांच की मांग करते हैं, ताकि अलग अलग कहानियों के बजाय जो सच्ची बात है वो निकल करके सामने आ सके और जो इसके दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके। बहुत दुखद घटना है। मुंबई और महाराष्ट्र के लोग डरे हुए हैं इस घटना से। लगातार लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो उनकी सूचनाएं आ रही हैं, फोन कर रहे हैं कि इस घटना ने उन्हें चौंका दिया है। और पुलिस पूरी तरह से जिस दिन सड़क पर हो, दशहरे का दिन है, त्योहार का दिन है, जिस दिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सड़कों पर होती है, पुलिस के हाथ में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था होती है, सजग होती है पुलिस, उस दिन इस तरह की घटना होना, हत्यारे रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद हत्या करते हैं, खुलेआम चैलेंज करके हत्या करते हैं, ये सरकार के इकबाल पर गोली चलाई गई है, कानून व्यवस्था के इकबाल पर गोली चलाई गई है। और अंततो गत्वा हत्या हो गई, पुलिस रोक पाने में नाकाम रही। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता यह कह रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि एक निष्पक्ष कमेटी बनाइए, जांच जल्द से जल्द, जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने आए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों का डर खत्म हो सके। हम इस दुख की घड़ी में जिशान सिद्दीकी जो विधायक हैं महाराष्ट्र असेंबली के, हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, बाबा सिद्दीकी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो समाजसेवी भी था, जिसे मुंबई पहचानती थी, ऐसे व्यक्ति का मर्डर बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत अफसोस का विषय है। हम दुख प्रकट करते हैं। मुझे लगता है कि देश के गृहमंत्री से यह सवाल पूछा जाना चाहिए, अमित शाह जी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए, महाराष्ट्र के गृहमंत्री जी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर कोई इस तरह से आगे आके जिम्मेदारी लेना है, जिसकी सत्यता अभी तक सामने नहीं आई है, घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है, तो इसके पीछे असली कहानी क्या है वो देश के सामने तब आए जब जांच एजेंसियां एक कमेटी बना करके निष्पक्ष जांच रिपोर्ट देश के सामने रखें, तब मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर जांच और पारदर्शिता सामने आ सकेगी। अभी तो सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो सबसे बड़ा सवाल देश के गृहमंत्री का है कि किसी बाहर बैठ के, किसी दूसरे राज्य की जेल में बैठ के कोई इतनी बड़ी घटना अंजाम दे रहा है, तो गृहमंत्री से सवाल है, दोनों गृहमंत्रियों की जवाबदेही है।